बारिश का दृश्य इसी तरीके से दो दिन तक रहेगा और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये लगभग प्रातः 8 बजे का वक्त है, बृहस्पतिवार का दिन है, सुबह 8 बज रहे हैं और ये दुर्गावाड़ी क्षेत्र का जल भराव है। जी हाँ, आप देख सकते हैं, दूर से अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि ये बहुत ही बढ़िया एक मार्ग है, यहाँ पर एक भी गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वाकई आप देख सकते हैं तो वाहनों के टायरों को देखकर आप स्वयं अंदाज़ा लगा लेंगे कि पानी का कितना प्रेशर लग रहा है यहाँ पर। जैसा कि मौसम विभाग द्वारा कई दिनों से चेताया जा रहा था, आगाह किया जा रहा था कि आज बारिश पड़ेगी और वो दृश्य आपके सामने है, लेकिन इसमें एक आवश्यक बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग घनी आबादियों में रह रहे हैं, देखिए पानी किस तरीके से घरों के अंदर प्रवेश करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे लोगों से मेरा आग्रह या निवेदन है, सावधानी के तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि जिन क्षेत्रों में इस तरीके से पानी दिख रहा है वो कृपया बच्चों को बिजली के बोर्डों से दूर रखें, मोबाइल चार्जिंग पर लगा के कॉल ना करें और पानी का जो घर में भरने की जो स्थिति है उसका पूरे तरीके से ख्याल रखें, कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। और जो भी युवा बच्चे दिन में दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं, भागने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि कहीं बिजली का तार वार ना टूटा हुआ हो, इसलिए बड़े सोच समझ कर और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। ये सीधी तस्वीरें मैरिज रोड की हैं और मैं आपको दिखा दूँ कि ये टीआई भी रोड है अलीगढ़ का, इस पर साना बसाना जब भी बात होती है प्रदेश भर में तो इस रोड का जरूर जिक्र होता है। ये वही मार्ग है, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का आवास है और अगर कह दें कि दो बार के सांसद राजवीर सिंह राजू भैया और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी का भी यहाँ आवास है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है चाहे करोड़ों रुपए नरक निगम खर्च कर दे, नगर निगम खर्च कर दे, लेकिन हाल यही रहेगा। देख सकते हैं जैसे मुंबई में जो लोग गए हों वो इस तरीके से ऐसा अगर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो, तो ये बिल्कुल ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है जैसा कि मुंबई में महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और ये यहाँ पर गाड़ी चलाना जोखिम से कम नहीं है, जो भी हमारे मित्र हैं दोस्त हैं जो बाइक्स चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या क्यों ना फोर व्हीलर चला रहे हों, बड़ी सावधानी से ड्राइविंग करें। आश्चर्य की बात यह, एक और बात जरूरी बताना चाहता हूँ, नगर निगम जो कार्य है उससे पुलिस को बड़ी सहूलियत है। हाँ, मेरी एक अधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का काम तो अधूरा अलीगढ़ की नगर निगम पूरा कर देती है। मैंने बड़ी तल्लीनता से पूछा, जिज्ञासा से पूछा, सर ऐसी क्या खास बात है जो कि पुलिस के कार्य को नगर निगम कर रही है? तो बड़े हंसते हुए बोले कि ऐसा कोई रोड और सड़क नहीं है जहां पर गड्ढा ना हो या उस पर पानी ना भरा हो। जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो कोई भी अपराध करने से पहले 10 बार सोचते हैं क्या सुरक्षित तौर पर निकल कर भाग सकता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये व्यंग भी हो गया और सच्ची बात उन्होंने बताने का प्रयास किया। ये दाम्पत्य लोग जा रहे हैं, आखिर ये कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ चल दिए सर, कहाँ जा रहे हैं? पाम ट्री, पाम ट्री होटल में दोनों जने नौकरी करते हो? अच्छा, देख लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले हैं, आगे होटल पाम ट्री में काम कर रहे हो या कोई भी रोजी रोजगार का मामला हो। और लगभग 8 का वक्त है प्रातः का, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जो भी कार, कहाँ चल दिए साहब? सेंटर पॉइंट के लिए बड़ा दुर्लभ रास्ता चुना है आपने। ये सेंटर पॉइंट के लिए जिन लोगों को जाना है मेरे रोड से, वो सीधे रामघाट रोड को लें या केलानगर दूधपुर होते हुए लाल डिग्गी होते हुए स्टेट बैंक तराजे सेंटर पॉइंट की तरफ लें, लेकिन जो मेरे रोड की तरफ आएगा तो वो सोच समझ के आए कि आखिर गाड़ी को घर ले जाना है या वर्कशॉप ले जाना है। ये ध्यान रखें इस चीज़ का जो आपको। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जो भी विद्यालय हैं, नर्सरी से लेके कक्षा 12th तक के विद्यालय को 2 दिन के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। और ये देखिए, ये जो मैं बता रहा था दृश्य, महाराष्ट्र मुंबई वाला, लहरों वाला,
वो आपके सामने है और पीछे से गाड़ियां लगातार टच हो रही हैं, क्योंकि क्या करें, वो अनियंत्रित हो रहे हैं वाहन। हमको भी लोगों को संभालना है, किसी के चोट ना लगे, किसी को रुसवाइयाँ परेशानियां ना हो। हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं कि किसी को हम परेशान कर रहे हो, लेकिन मैं आगाह कर रहा हूँ, मैं चूँकि आपका मनोज सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी हूँ और शाना बशाना आपके साथ जुड़ा रहता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूँ कि जो भी लोग हैं पानी से बचने का प्रयास करें। और ये दृश्य जो है, जो कामगार मजदूर हैं वो अपने घरों से निकल चुके हैं काम कराने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए। और ये देखिए तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, गैजेट्स ख़राब होने का भय है, लेकिन एक समाज को संदेश देना है, जो भी अनावश्यक तौर पर बच्चे घूमने का प्रयास करते हैं वो कृपया घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि लगातार दो दिन बारिश तेज पड़ेगी। और ये मुल्ला जी जो जा रहे हैं, इन्हें घर में रहना चाहिए, क्योंकि अब बाहर निकलने का, मुल्ला जी घुस जाओगे किसी गड्ढे में क्या? तो ठीक है साहब, दोस्तों मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, चूँकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मेरा कैमरा और जो गिम्बल है वो भीग रहा है, ये ऐसे।